प्रातःकालीन अरुणोदय होने वाला है। सखी सहचरी समाज निकुंज महल को सजाने में संलग्न है। हर सखी का एक एक कुंज है। निकुंज कुंज के सामने विस्तृत पथ एवं पीछे साधारण पगडंडी है। सबने मिलकर स्वर्ण घट को सजाया है। घट में श्री यमुना जी का पावन जल है तथा घट के मुख पर आम्र पल्लव हैं। आम्र पल्लव सहित स्वर्ण घट प्रत्येक द्वार पर रखे गए हैं। प्रत्येक द्वार के दोनों ओर स्वर्ण घट हैं। द्वार द्वार पर नवीन बंधनवार झूल रही है। निकुंज कुंज के शिखर पर पीत पताका लहरा रही है। निकुंज कुंज के पथों और पगडंडियों पर इत्र का छिड़काव किया गया है। द्वार द्वार के सामने रंगोली सजाई गई है। गुलाब के साथ हीरे मोती से रंगोली की शोभा अनिर्वचनीय है। मंगल शकुन के रूप में दाहिनी ओर फुलवारी में काक विराज रहा है। नकुल भी कभी कभी अपनी उपस्थिति से सबके मन को प्रमोदित कर रहा है। दाहिनी ओर हरिणी हरण बार बार आ जा रहे हैं। पथ में स्थान स्थान पर कदली स्तंभ शोभायमान हो रहे हैं। प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी को अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर अरुणोदय में मिलता है। वृक्षों में सुंदर सुंदर पके पके फल लटक रहे हैं। लताओं के अंक में और पौधों के शीश पर सुंदर सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं। प्रति अरुणोदय के समय निकुंज राज्य इसी रीति से शोभायमान रहता है। श्री ललिता जी के आनुगत्य में रहते हुए निकुंज राज्य की श्रृंगार सुसज्जा सेवा में भी अपना यत्किंचित योगदान दे सकूं, ऐसा कब होगा।